भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर पर गौतम बुद्ध महिला कॉलेज की छात्राओं ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद अशरफ ने दीप प्रज्वलित तथा डॉक्टर राधाकृष्ण की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया। तत्पश्चात प्रोफेसर उषा राय, प्रोफेसर किशोर जहां बेगम, डॉक्टर किरण बाला सहाय, डॉक्टर नूतन कुमारी, डॉक्टर निर्मला कुमारी, डॉक्टर सहदेव बारी, डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी, डॉक्टर नगमा शादाब सहित सभी फैकल्टीज ने सम्मिलित रूप से डॉक्टर राधाकृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित की। छात्रा मोनिका मेहता, रिया सुरुचि, अनु रूपाली, शिल्पा सानी के संयोजन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीपशिका, सोनम, रूपश्री तथा रुखसार ने तुझ पे प्रभु दिखता है तथा पूर्विका कुमारी ने गुरु में संसार समाया गीतों की भावनी प्रस्तुति दी। छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल प्रोफेसर अशरफ ने कहा कि छात्राएं मन लगाकर पढ़ें लिखें तथा कॉलेज के साथ साथ अपने सभी टीचर्स का नाम रोशन करें। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों तथा छात्राओं को शिक्षक दिवस की शुभकामना देते हुए कॉलेज परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी के अनुसार शिक्षक दिवस छात्र छात्राओं और शिक्षकों के मध्य विश्वास पर आधारित स्नेहपूर्ण संबंधों को स्मरण कराने आता है। उन्होंने भी छात्राओं को सभी क्षेत्रों में सफलता की मंगल कामना की। चूँकि इस बार रविवार को हो गया है, इसलिए गर्ल्स कॉलेज को रविवार के दिन खोलने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है, तो हम नहीं खोल पाए। बच्चे तो बहुत चाह रहे थे, तो हमने डेट शिफ्ट कर दिया कि फंक्शंस अगर करना है तो 6 सितंबर को वो किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसीलिए बच्चों ने आज इस प्रोग्राम को रखा। शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाते हैं वो आज मना रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और उन्होंने बड़े जोश और लगन के साथ सारा इंतज़ाम किया है। और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें कहीं पर उनके इंतज़ाम में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है, सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, बाकी सारा आइडिया उनका है, उन्होंने किया है। और बच्चे हमारे कॉलेज के बहुत जीलस, बहुत ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इस प्रोग्राम को हर साल मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने मनाया है, जिसमें दीप प्रज्वलन हुआ, उसके बाद सर्वपल्ली राधा कृष्णन सर की मूर्ति, उनकी पड़ती जो फोटो है उसके ऊपर माल्यार्पण किया गया, और उसके बाद इन्होंने एक नई प्रथा जो केक काटने की हुई है वो केक काटा, और फिर शिक्षक को, शिक्षकतम सभी शिक्षकों को वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ तोहफा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो अच्छा है। शिक्षकों का मनोबल भी इससे बढ़ता है और बच्चों के संलिप्तता और बच्चों का कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट इससे बढ़ता है। बच्चे कितना इन्वॉल्व हैं तो आप देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह से नहीं मेंटेन हुई, मगर थोड़ी देर के लिए अलाउ कर दिया गया है उनके शौक को देखते हुए, और फिर थोड़ी देर में सब अलग हो जाएंगे। चाहेंगे अपने बच्चों को आज, जैसा कि सभी बच्चे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ शिक्षक दिवस का आयोजन किए हैं। और शिक्षक दिवस असल में तो छात्र छात्राओं का ही दिवस है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को शिक्षकों के प्रति, जो भी उनकी भावनाएं, सम्मान की भावनाएं हैं या आपसी मित्रवत जो व्यवहार होता है वो भावनाएं हैं, ये भावनाएं एक तरह से एक्सप्रेस करने का ये दिन है। और
जो भी छात्र छात्राएं पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं वो अपनी कृतज्ञता अपने शिक्षकों के प्रति जाहिर करते हैं। तो इस और खास करके जो हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उनको भी हम लोग स्मरण करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, क्योंकि वो शिक्षकों को बहुत ही महत्व देते थे और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को भी अर्पित करने का ये दिवस है। छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच में जो पावन रिश्ता है उसको याद करने का ये दिवस है। मुझे आज अपना खुद का स्कूल याद आता है, जब मैं एक छात्रा हुआ करती थी, शिक्षकों का सानिध्य जो है बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता अच्छे शिक्षकों का, तो मैं उस दिन को भी याद करती हूँ। मुझे अपना केवी भी याद आता है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते थे और आज हमारी छात्राएं यहाँ कॉलेज में गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में ये आयोजन की है। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। हमारी छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं जिसमें गुरु के प्रति जो भी उनकी श्रद्धा भावना है वो उनको उसमें दिखलाने वाली है। तो मेरी छात्राओं के प्रति बहुत ही शुभकामनाएं हैं, उन लोगों के प्रति वो पढ़ने लिखने में अच्छा करें, प्रगति और जो भी है उन्नति उसके रास्ते पर अग्रसर रहें, उनको हर क्षेत्र में सफलता मिले, यही शुभकामना है मेरी उन लोगों के प्रति। पढ़ने में मन लगाएं, सिर्फ शैक्षणिक ही नहीं बल्कि सह शैक्षणिक क्रियाओं में भी वो आगे बढ़ें, आगे आए, तभी हम लोगों का जो यहाँ हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग जो अपना योगदान दे रहे हैं वो सफल हो पाएगा और उसका औचित्य तभी है जब वो बढ़े, क्योंकि छात्राओं में ही हम अपना रूप देखते हैं, हम अपना वजूद देखते हैं। तो वो आगे बढ़ेंगी तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी, हम लोग की सार्थकता होगी शिक्षकों की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों के प्रति, वो लोग आगे बढ़ते रहें और अपने छात्र अपने टीचर्स का नाम आगे करें और जो आने वाला भविष्य उन्हीं के हाथ में है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों के प्रति, हर क्षेत्र में वो सफलता पाए।